हेलो सब लोग गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो भाई बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी अपने होम टूर का, आपने फर्स्ट फ्लोर नहीं दिखाया तो वो भी दिखा दें, तो आज हम आपको वही दिखाएंगे। तो चलते हैं। ये अगर आपने ग्राउंड फ्लोर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। तो बाकी आज आपको हम फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। तो आज हमने परमिशन ले ली है, बाकी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर अंदर से कैसे। गाइस तो ये है वो जगह यहाँ पर जो आती है फर्स्ट फ्लोर रेजिडेंस के अंदर। तो ये है कार कोच, टू कार इधर बहुत आराम से आ जाती है, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर है एक दो रीम बताते हैं क्या है, ठीक है। और ये है सर्वेंट्स के लिए सीढ़ियाँ, ठीक है, ये सर्वेंट्स के लिए। और इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट यूज के लिए स्टेयर्स है। तो ऊपर सर्वेंट क्वार्टर भी है, उस तक ये सीढ़ियाँ जाती है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आओ ऊपर, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर लाइट्स हैं, कुछ टाइल्स लगाई हुई है भाई, ये ग्लास भाई मुझे बड़ा मस्त लगता है। ये ऊपर आ जाओ, यहाँ पर ऊपर आने के बाद आओ फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं। तो ये जगह सर्वेंट क्वार्टर वाली, फिलहाल हम अंदर चलते हैं, परमिशन मिली भी है ना, ठीक है, बस फिर जा सकते हैं। तो फर्स्ट रूम जो हमें नज़र आता है वो यहाँ पर एक बेडरूम है। यहाँ पर कुछ कबर्ड्स लगाई गई हैं, फिलहाल यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है। बाद इसी के साथ अटैच वॉशरूम है, रेन शॉवर है ऊपर। यहाँ पर ये सारा सेटअप हुआ है और यहाँ से फुल साइज विंडो है, एक यहाँ से बाहर का व्यू आ जाता है, ठीक है। तो इससे बाहर निकलते हैं। तो सेकंड रूम है, यहाँ पर तो हॉल है सारा, ये फिलहाल तो ये पड़े हुए हैं सोफास, और यहाँ पर ग्लास है, नीचे से ब्लैक है फॉर प्राइवेसी। और ये ग्लास रूफ से लेके ग्राउंड फ्लोर तक जाता है। नीचे दिखाओगे दिखा सकते हो, आएगा नजर नहीं सचो। यहाँ पर टीवी वगैरह रख सकते हैं और ये टेरिस। तो ये आ गए हम टेरिस पे, देखो यहाँ पर बहुत खुला स्पेस है, यहाँ पर टेबल वगैरह कुछ कम हो जाएगा। और ये यहाँ से बाहर का व्यू मिल जाता है बहुत प्यारा। तो यहाँ पर ये हुआ है भाई, ये सीमेंट नहीं है, ये फेयर फेस हुआ है, गौर से देखोगे आपको पता चलेगा ये सारा फेयर फेस हुआ है। और अब बहुत सुंदर चलते हैं, जो भी लास्ट मैंने आपको दिखाई थी फोर साइड पे व्यू लगा हुआ आगे। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर टीवी वगैरह रख सकते हैं, बाकी सामान जो भी हो ऊपर नीचे आ जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर ये बेडरूम एक और, तो यहाँ पर भी कबर्ड है और लेटरिन वॉशरूम है, यहाँ पर बेड वगैरह आ जाता है। वैसे तो ये इधर नहीं होगा, मतलब ये रेंटल है ना, फिलहाल हमने रेंट पे दिया है, इसलिए यहाँ पर फर्नीचर इतना सारा है। तो ये वॉशरूम है, यहाँ पर भी वही रेन शॉवर बस। चलो हाँ जी, तो अब किचन दिखाते हैं।
ऐसे हॉल के साथ ही किचन भी है, खाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं किचन में है। यहाँ पर दो कबर्ड्स भी हैं और नीचे शेल्फ भी है, और बाकी ये भी बहुत खुला स्पेस है, यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। और यहाँ एक छोटा सा टेरेस आ जाता है, ये देखो बाहर। और यहाँ से भी एक पतली सी गली जाती है दूसरे टेरेस पे जो आपको हमने दिखाया। ओ और ये वाला टेरेस तो दिखाई नहीं, रुको भाई वो एंड पे दिखाएंगे, छोड़। अभी हम चलते हैं यहाँ से एक और बेडरूम है वहाँ। तो भाई ये है एक और बेडरूम, ये भी मेरे ख्याल से मास्टर बेडरूम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुला स्पेस है। यहाँ पर ये देखो एक डबल बेड लगा बहुत बड़े साइज का, वो पूरा आ जाता है और यहाँ तक है। ये मेनली ये नीचे के डिज़ाइन से ही मिलता जुलता है। इसी जगह पे नीचे हमारा मास्टर बेडरूम है और यहाँ पर कबर्ड जैसे नीचे भी है भाई, इसी जगह पर सेम जगह पर कबर्ड है। तो इसकी लाइट कहाँ है? हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर ये एक और वॉशरूम, और ये सबसे बड़ा वॉशरूम है ऊपर का। यहाँ पर कोई रेशा वगैरह सब कुछ का सब कुछ जो पहले था और होता है। तो बाकी बहुत स्पेशल मास्टर बेडरूम में। तो अब चलते हैं हम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं वो कैसे। गाइस ये है सर्वेंट के लिए सीढ़ियाँ, ठीक है मेटल की। यहाँ से आगे पर हम एंटर हो जाएंगे टेरेस में, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा टेरेस है, और बाकी यहाँ से भी इधर उधर का भी मिल जाता है। अब इसके साथ ही यहाँ से आप ओपन स्पेस से एंटर हो सकते हो, और यहाँ पर इतनी सी एक स्पेस आ जाती है। उसके बाद ये तो वो है जो मैंने आपको दिखाया था जब हम अंदर जा रहे थे, तो ये वो वाला गेट है और ये अलग है, ठीक है सर्वेंट्स के लिए। यहाँ पर ये सारी सारा एरिया, और ऊपर यहाँ पर सीढ़ियाँ भी जाती हैं, ये देखो ये सीढ़ियाँ जाती हैं रूफ टॉप पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर वही ग्लास बहुत पसंद है, अच्छा डिजाइन है आज। तो फाइनली हम आ गए सर्वेंट क्वार्टर में। सर्वेंट्स का रूम है ये, तो ये भी काफ़ी खुला है। यहाँ पर भी देखो ये काइंड ऑफ डबल बेड जो इन्होंने लगाया था, ये भी आ जाता है साथ। थोड़े से कंजेस्टेड जगह में ये आ जाता है एक सिंगल बेड। तो ये सीलिंग डिजाइन भी आप देख सकते हो, सब जगहों की बहुत ही प्यारी सीलिंग डिजाइन है। यहाँ पर कैबिनेट है, ठीक है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो सर्वेंट्स के लिए, क्या सर्वेंट्स का सामान आएगा। और ये यहाँ पर भी स्पेस है, तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर हर जगह ब्लाइंड है, जैसे मैंने आपको बताई तो ऊपर वाले फ्लोर पर हमने ब्लाइंड्स भी दिए हैं। ये देखिए फुल साइज तो नहीं, लेकिन एक बड़े काफ़ी बड़ी विंडो है इधर, जहाँ से बाहर का व्यू मिल जाता है। वापस नीचे इसको चलो। तो ये जो ये कनेक्ट करता है बहुत ही छोटे मासूम के साथ, जिसके लिए तो बहुत सारे खराब है। बाकी अभी तो इसकी बहुत सारा खराब है, खाने लायक तो है नहीं। तो ये देख सकते हो ये बहुत छोटा है, और ये भी सर्वेंट्स के लिए ही है, क्योंकि ये सारा एरिया सर्वेंट्स के अंदर आ जाता है ये सीढ़ियों से यहाँ तक का। तो ये था हमारा अपस्टेयर्स का टूर पूरा, कुछ रह तो भी ना गया। हाँ तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड अल्लाह हाफ़िज़।